आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस क्या होते हैं और दूसरा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स हम वेव फंक्शंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साई स्क्वायर यहाँ हम देख रहे थे वो क्या बता रही है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है दैट बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है। और वो वेव की तरह तो वो पार्टिकल किसी भी टाइम पर वो कहीं पर भी वहां पर हो सकता है। तो इसकी हमारे को अगर वेव इस वेव के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो पार्टिकल कहाँ पर है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको साई स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और अगर पर्टिकुलर एक पोर्शन में यानी एक स्मॉल हमारा उसमें एक सेगमेंट है उस वेव के अंदर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय डी एक्स, तो उसमें इस छोटे से रीजन के अंदर जो इसको हम डी एक्स ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो उसको क्या करें हम साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वहां पर ये जो पार्ट है वो हमारे को क्या बता देगा कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो ये एक हमारे एक वेव के अंदर हम उसकी जो भी पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस इक्वेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एक पार्टिकल को तीनों एक्सिस में अगर हम देखना चाहें कि सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ तो जो पार्टिकल है वो केवल एक एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में हम उसको देख रहे हैं, तो वहां पर उसको उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ही पार्टिकल एक्स वाई जेड सभी एक्सिस में मूव कर रहा है, वहां पर सभी एक्सिस में उसकी वेव्स हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी, दैट इज डी स्क्वायर। तो अब सभी में उसका वो पार्टिकल किसी भी एक्सिस में हो सकता है, तो हम क्या लेंगे उसको डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये सारी एक्सिस में है तो ये क्या है, दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट हो जाएगा, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज डी टाउ से। तो यहाँ पर अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सभी एक्सिस में है, अगर वो किसी भी एक्सिस में जा सकता है, तो वहां पर उसका प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट दैट पार्टिकल दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर डी टाउ। और अगर एक सिंगल एक्सिस की अगर हम उसको बात करें तो साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर हम साई स्क्वायर को और ऐसे लिख सकते हैं कि साई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साई इंटू साई स्टार इंटू डी टॉप। तो दिस इज फॉर अ स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट एक स्पेस में, और ये पर्टिकुलर एक एक्सिस के अंदर अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो हम उसको यहाँ पर, तो यहाँ साई स्टार क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वेव फंक्शन। ओके, सो यहाँ अगर एक एक एक्सिस के अंदर एक सिंपल एक्सिस में है या एक सभी एक वी कैन से एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी टाउ से, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें अगर हमारे को उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर पे वो पार्टिकल कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हमारे को इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक अगर उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को सभी डी एक्स की वैल्यू जितनी भी हैं डी एक्स की वैल्यूज उनको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से सपोज ए से और बी तक अगर हमारे को उसको फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल हम उसको क्या करेंगे इस पॉइंट से और यहाँ तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो वी कैन राइट साई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो जो प्रोबेबिलिटी होगी पूरे स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट में
हम पूरे होल वॉल्यूम सेगमेंट लेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम उस पूरे वॉल्यूम सेगमेंट में, तो दैट विल बी साई इंटू साई स्टार दैट इज इंटू डी टाउ. अच्छा अब इनकी जो वैल्यू आएगी दैट इज कम आउट टू बी वन एंड दैट इज कम आउट टू बी वन. यानी अगर एक एक्सिस के अंदर हम लें या पूरे एक वॉल्यूम के अंदर हम लें तो जब हम उसका वेव फंक्शंस को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू वन, दैट इज इक्वल्स टू यूनिटी. इसी को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस कहते हैं. यानी ऐसी कोई भी वेव फंक्शन, यानी वो सिंपल एक एक एक्सिस में हम बात करें या किसी एक वॉल्यूम के अंदर हम उसको बात करें, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस वेव फंक्शन का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट या एक स्मॉल डीएक्स के अंदर, तो अगर उनकी जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है दैट्स कम आउट टू बी यूनिटी, दैट इज मींस दैट इज दैट वेव इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. यानी ये वन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टिकल उसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर मिलेगा. यानी अगर हम ए से बी में यहाँ बात कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन, यानी वो जो पार्टिकल है वो मिलेगा ही मिलेगा वहां पर. और ऐसे ही उस वॉल्यूम के अंदर हम देखें तो वहां पर भी वो पार्टिकल वहीं मिलेगा और इसलिए जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू वन. वो वहां वन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 100%, यानी वो पार्टिकल वहां मिलेगा. तो उसका हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज नॉर्मलाइज्ड, these are known as normalized wave functions. तो ये दोनों जो equations हैं, ये वाली equation is suppose this is equation number one and this is equation number two, both are normalized wave functions. इसको हम क्या कहेंगे, normalized wave functions कहेंगे. लेकिन sometimes अगर यहाँ पर suppose मैं इसी equation number two को यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ इसको ले रहे हैं psi इंटू साई स्टार इंटू डी टॉ, लेकिन सपोज यहाँ पर जो वैल्यू है वो वन के बराबर नहीं आती है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ और कुछ वैल्यू आती है, तो अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस नहीं होगी. यानी यहाँ पर अगर वो यूनिटी नहीं आती है या वैल्यू वन नहीं आती है तो नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. तो हम इसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमें इसको बनाना पड़ेगा. तो कैसे बनाते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, तो साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ एंड दैट इज इक्वल्स टू वन, दैट इज इक्वल्स टू सम वैल्यू. उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज एन से हम उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब ये तो ये जो वाली है ये दिस इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. तो ये वाला This equation is not a normalized wave function. तो उसको हम normalized wave function कैसे बनाएंगे? तो इसको हम normalized wave function बनाने के लिए इसको हम change कर देंगे. तो इसको अगर n को इस value को इधर ले आते हैं left hand side, तो 1 upon n integration psi into psi star d tau that is equals to 1. तो अब यहाँ जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज नाउ इक्वल्स टू 1, और इसको हम और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन दैट इज साई अपॉन अंडर रूट एन इंटू साई स्टार अंडर रूट एन इंटू डी टाउ दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर अब इस ये जो इक्वेशन हो गई है, अब ये हो गई हमारी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. तो यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट एन, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और अगर इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद वेव फंक्शन, ओके तो अभी इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, दिस इज नोन एज
नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो सपोज अगर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू वन आ रही है, कुछ वैल्यू आ रही है, देन वी हैव टू डू दिस, तो जिससे कि ये जो वेव है दैट बिकम नाउ नॉर्मलाइज्ड। तो जो फैक्टर है, जो कांस्टेंट है, उसे हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और अगर वो मल्टीप्लाई करते हैं उसको वेव फंक्शन से तो उसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड, नाउ दैट इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। सो दिस इज अबाउट द नॉर्मलाइजेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो बी पार्ट है दैट इज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो अभी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या है? देखो ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर यहाँ मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास अब यहाँ दो डिफरेंट वेव्स हैं, वेव फंक्शन है, एक है साई आई और दूसरी है साई जी। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग वेव फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज इसका, तो साई आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डी टाउ से, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई जे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई जे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ और इसको पूरे को इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पहला सेम यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, साई जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी टाउ से और यहाँ हम ले रहे हैं साई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पर हमने ले लिया और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इनकी वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू, दैट्स कम आउट टू बी जीरो, दैट्स कम आउट टू बी जीरो, तो इन वेव फंक्शंस को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहेंगे। यानी इनकी जो कंडीशन क्या है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की, के दो डिफरेंट वेव्स हैं और उनको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम उसका और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो अगर जीरो आती है तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। जबकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस क्या थी, उनकी जो वैल्यू आ रही थी ऑफ अ सिंगल वेव फंक्शंस की, अगर हमारे पास कोई सिंगल वेव फंक्शन है और उसकी वैल्यू आ रही इक्वल्स टू वन, तो वहां पर वो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। लेकिन अगर दो डिफरेंट वेव्स हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं हम और उसके बाद इंटीग्रेशन पे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है अगर वो जीरो आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। यहाँ पर अगर यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके होता, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, साई आई का विद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका और डी टाउ से, तो इसकी वैल्यू क्या आती, दैट इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली साई जे स्टार इंटू डी टाउ दैट इज इक्वल्स टू वन। तो ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, दीज आर द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें इन दोनों को, यानी इसके अंदर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरी वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां पर क्या होगा, तो उनकी जो वैल्यू आएगी दैट्स कम आउट टू बी जीरो। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन इनको बोलते हैं। सो दिस इज, दैट इज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस एंड द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस।